हाल 9 पे बहुत ही अच्छे तरीके से अटैक किया है इन ट्रूप्स के साथ। एक गोबलिन है, 3 यहाँ पे पैका है, 5 होग राइडर्स हैं, 17 विजार्ड्स हैं, 17 आर्चर क्वींस हैं, 2 हील स्पेल्स हैं, एक जंप स्पेल है और एक पावर स्पेल है, और एक है हमारे पास डोनेशन में इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग डिफेंस पे, जिसकी बहुत ही ज़्यादा वॉल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से हम इस पर 100% अटैक करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर गोबलिन मैंने छोड़ दिया है और पैका छोड़ दिया, फिर मैंने होग राइडर छोड़े हैं और फिर मैंने यहाँ पे विजार्ड छोड़ दिया। अब विजार्ड्स के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसके पीछे ही अर्चना क्वीन छोड़ देनी है, यानी कि पीछे पीछे ही रखना है इसका, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे जो भी अटैकर होंगे ये सारा गोबलिन पे होगा, ठीक है ना। हमारा जो विजार्ड बचते रहेगा, मैंने हील स्पेल छोड़ दी है और देख सकते हो आप, मैं इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ किस तरीके से अटैक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हील स्पेल मैंने कॉर्नर में छोड़ दिया है, कॉर्नर्स को वोस करेंगे। इलेक्ट्रो ड्रैगन मैंने छोड़ दिया है, ओके। देख सकते हो किस तरीके से कॉर्नर्स हैं वो साफ हो चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे रह चुका है, ये अटैक यहाँ पे हो रहा है और अब ये जो है विजार्ड रह चुका है। अब इस विजार्ड को एक विजार्ड ही मारेगा, देखो यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे एक झटके में विजार्ड को मार दिया। अब ये यहाँ पे जा रहे हैं, टाइम बहुत ही कम रह चुका था और लगता था दीवार नहीं टूटेगी, बट दीवार टूट चुकी है। अब यहाँ पे 100% आपका अटैक हो चुका है। तो ये था आपका अमेजिंग अटैक। एक गोबलिन लेना है, 3 आपको पैकर लेने हैं, 5 होग राइडर्स लेने हैं, 17 आपको यहाँ पे विजार्ड्स लेने हैं, 17 आर्चर क्वींस लेनी है, 2 हील स्पेल, एक जंप स्पेल जंप के लिए, एक पावर स्पेल और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे डोनेशन में। थैंक यू वेरी मच।